ममता ने साधा कांग्रेस पर निशाना, थर्ड फ्रंट की तेज कर दी मुहिम, तो मराठा छत्रप शरद पवार ने संभाला मोर्चा। ईवीएम के बहाने चले ममता को मनाने, ईवीएम का जिन्न फिर निकला बाहर, ईवीएम के बहाने सियासत चमकाएंगे पवार। शरद पवार ने बुलाई विपक्षियों की बैठक। मराठा छत्रप शरद पवार की सियासत को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनके लिए कहा जाता है कि जो वो कहते हैं वो तो वो करते ही हैं, लेकिन वो जो नहीं कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने 2024 के लिए विपक्षियों को लामबंद करने की कवायद फिर शुरू कर दी है। ऐसे वक्त में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कांग्रेस मुक्त विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनाने का ऐलान कर दिया है, तब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मोर्चा संभाला है। एक बार फिर शरद पवार एक्टिव हो गए हैं। ईवीएम के बहाने शरद पवार ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए अपने दिल्ली आवास में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर जो शंकाएं हैं उसको लेकर चर्चा होगी। भले ही विपक्षियों की इस बैठक में मुद्दा ईवीएम का हो, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट विपक्षियों को लामबंद करने के साथ साथ एनसीपी को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखना है। दरअसल चुनाव आयोग की समीक्षा के बाद एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनना तय नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो शरद पवार की नेशनल पॉलिटिक्स भी इरिलेवेंट हो जाएगी। इतना ही नहीं, शरद पवार लगातार विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहते थे। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शरद पवार को तो साथ लेकर चलना चाहती हैं, लेकिन शरद पवार के कांग्रेस प्रेम की वजह से उनसे किनारा कर रही हैं। ऐसे में इस बार ईवीएम की बैठक में ममता बनर्जी के साथ आने की पूरी संभावना है। ममता का भी अब शरद पवार के साथ आना मजबूरी हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग पार्टियों की समीक्षा के जरिए शरद पवार की एनसीपी, मायावती की बीएसपी, सीपीआई और ममता बनर्जी की टीएमसी जैसी पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा छीनने की कोशिशों में जुटी है। इसे लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। ऐसे में सभी पार्टियां मिलकर न सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए विचार विमर्श करेंगी, बल्कि इलेक्शन कमीशन की इस कोशिश को ईवीएम के जरिए फंसाने की रणनीति पर भी काम करेंगी। इसके लिए शरद पवार ने एक खास रणनीति तैयार की है। इसके तहत शरद पवार के घर पर होने वाली बैठक में ईवीएम के मुद्दे को लेकर न सिर्फ चर्चा की जाएगी, बल्कि इलेक्शन कमीशन को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए इसको लेकर के भी स्ट्रेटजी तैयार होगी। इस बैठक में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के मुद्दे को लेकर आईटी प्रोफेशनल्स, क्रिप्टोग्राफर और साथ साथ रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया जाएगा। इनके जरिए इलेक्शन कमीशन के ईवीएम पर लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा। यानी ईवीएम तो महज बहाना है, विपक्ष को एकजुट और खुद के वजूद को बचाना ही असली निशाना है। बैठक के दौरान शरद पवार की कोशिश होगी कि वो ममता सहित समूचे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की कोशिश करें। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।